नमस्कार, मैं सपना बड़ोनिया शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खौली से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 7वीं के हिंदी विषय से पाठ 13 सुभाष चंद्र बोस का पत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेजों का गुलाम रहा, है ना? ये तो आपको पता ही है। लेकिन उस गुलामी के दौरान, उस समय में लोगों की जो स्थिति थी, हमारे भारत में जो भारतीयों की जो स्थिति थी दासता की, वो बहुत ही खराब, बहुत ही दयनीय स्थिति थी। बहुत तकलीफ से थे उस समय उन लोग, है ना? और उस समय सभी का एक ही मोटो था, एक ही उद्देश्य था कि अंग्रेजों को जो है हमें भारत से बाहर खदेड़ देना है, फेंक देना है बाहर, है ना? उस समय कई प्रकार के आंदोलन भी हुए, भारत छोड़ो आंदोलन जैसे कई बड़े बड़े आंदोलन हुए थे, है ना? ये तो हमने सिर्फ सुना है या किसी फिल्म में देखा है कि उस समय व्यक्तियों की क्या स्थिति थी। आप जब देखेंगे, सुनेंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड, है ना, उस समय जनरल डायर ने क्या किया था। उस बाग में सभी को एक सभा के लिए, बड़ी आम सभा के लिए पूरे भारतीयों को बुलाया गया था, है ना? और जो उसका गेट है उसे बंद कर दिया गया और गोलियों से सभी को भून दिया गया था। तो वहाँ पे जो लोग थे वो उस गोली से बचने के लिए, वहाँ जो कुआं बना हुआ है, कई तो उस कुएं में गिर गए, छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, औरत, सभी लोग, है ना, उस कुएं में कूद कूद कर अपने जान बचाने की कोशिश की, लेकिन ऐसा हो नहीं सका था। तो ये बहुत ही शर्मनाक बात थी। अंग्रेजों का जो ये अत्याचार था वो निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था। तो सभी ये चाहते थे कि अब जो है अति हो गई है, अब हमारे देश को आजादी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। तो जितने भी लोग थे उनमें से जिसमें नेतृत्व करने की क्षमता थी वो आगे आए, है ना, लीडर बने, और उन्होंने अपने तरीके से इस जंग को जीतने की कोशिश की। तो जब ये पाठ हम पढ़ेंगे सुभाष चंद्र बोस, तो इनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेंगे। ये जो है इनके विचार गांधी जी के विचार से बिल्कुल भी मैच नहीं करते थे। वो गांधी जी के विचारों को बिल्कुल भी नहीं मानते थे, है ना? इनके बारे में हम थोड़ा जानते हैं। तो वो गांधी जी के विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि हम जो है अहिंसा के बल पे अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे, उनसे जंग लड़ेंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे, अनशन करेंगे। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जो थे वो उनके विचारों से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनके क्रांतिकारी विचार थे, तो वो कहते थे कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, है ना? इस तरीके का उनका विचार था। और एक बहुत ही अच्छी बात वो कहते थे कि जो भी व्यक्ति इस दुनिया में आया है वो किसी ना किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए आया है, ठीक है, और मैं भी अपने उस उद्देश्य को निश्चित तौर पर पूरा करूंगा, ऐसा वो सोचते थे। कहते थे कि मेरे इस सूक्ष्म जीवन में चाहे मुझे दुख मिले या निराशा, लेकिन मैं लोगों के हित के लिए हमेशा संघर्षशील रहूंगा। ये उनके अच्छे विचार थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी सन 1897 में ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता जानकीनाथ बोस, जो कि पेशे से वकील थे, उनकी माता का नाम प्रभावती बोस था। और सुभाष चंद्र बोस जी का विवाह जो है उनकी ही एक सेक्रेटरी थी, है ना, विदेशी, जिनका नाम था एमिली, उनके साथ हुआ था। और इनका जो नारा था सुभाष चंद्र बोस जी का कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। 21 अक्टूबर सन 1943 को आज़ाद हिंद फौज का उन्होंने गठन किया था, जो कि बहुत ही बड़ा था। इनकी मृत्यु, स्लाइड कर दीजिए। हाँ, इनकी मृत्यु 18 अगस्त सन 1945 को हुआ था, जो कि एक हवाई दुर्घटना थी, ठीक है। अब इस पत्र में जो है, सर चले गए क्या? सर एक बार देख लीजिए।
नहीं, उससे नहीं हो रहा है। ठीक है, इस पत्र में हो गया। इस पत्र में बाल गंगाधर तिलक जी का वर्णन किया गया है, उनके बारे में बताया गया है, तो हम थोड़ा सा उनके जीवन के बारे में जान लें। बाल गंगाधर तिलक, उनका जन्म 23 जुलाई सन 1856 में रत्नागिरी में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में है। इनके पिता श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक जी थे, जो कि पेशे से शिक्षक थे। इनकी माता का नाम पार्वती बाई था, और इनका विवाह 1871 में तापी दाई से हुआ था, जो कि सत्यभामा के नाम से जानी जाती हैं। और इनका नारा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इनकी मृत्यु 31 जुलाई सन 1920 को हुई थी। लोकमान्य तिलक ने अपने कारावास काल का अधिकांश भाग मांडले जेल में ही गुजारा। इस चार दीवारी में, यहाँ के बहुत ही हतोत्साहित कर देने वाले परिवेश में, स्वर्गीय लोकमान्य ने अपने सुप्रसिद्ध गीता भाष्य ग्रंथ का प्रणयन किया था, जिसमें शंकर और रामानुज जैसे प्रकांड भाष्यकारों की श्रेणी में कर दिया था। लोकमान्य तिलक को जिस जेल में रखा गया था, वह लकड़ी के तख्तों से बना था, जिसमें गर्मी में लू और धूप से, वर्षा में पानी, शीत ऋतु में सर्दी से तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचत नहीं हो पाता था। सुभाष चंद्र बोस को यह बात अच्छी नहीं लग रही थी कि मुझे भारत से निष्कासित कर दिया गया था। फिर भी उन्होंने भगवान को धन्यवाद दिया कि अन्य जेलों की तरह यह भी एक तीर्थ स्थल है, जहां भारत का एक महानतम सपूत लगातार 6 वर्ष तक रहे। 6 वर्ष तक कौन रहे? लोकमान्य तिलक, जिनको सजा हुई थी, है ना, गोलीकांड में, और उन्हें जेल में डाल दिया गया था, और 6 वर्ष तक वह उस जेल में थे। लोकमान्य ने बर्मा के मांडले जेल में 6 वर्ष बिताए, जहां उन्हें शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं से गुजरना पड़ा। शारीरिक रूप से भी उन्हें तकलीफ दी जा रही थी और मानसिक रूप से भी। वो कैसे, वे यहाँ पर एकदम अकेले रहे, उन्हें किसी भी अन्य बंदी से मिलने जुलने तक की इजाजत नहीं थी, नहीं दिया जाता था। तिलक की दिनचर्या बहुत ही व्यस्त थी। उन्हें सांत्वना देने वाली एकमात्र वस्तु किताबें ही थी। यहाँ रहते हुए उन्हें 2 या 3 भेंटों से अधिक का मौका नहीं दिया जाता था। वह भी पुलिस और अधिकारियों के देखरेख में उन्हें लोगों से मिलने दिया जाता था। कितनी बार दिया जाता था मिलने? 2 या 3 भेंट ही उन्हें दी जाती थी। उन तक कोई अखबार भी नहीं पहुंचने दिया जाता था, ताकि बाहर की जो खबर है वो अंदर ना आ सके। उन्हें बिल्कुल अलग कर दिया गया था बाहरी दुनिया से। उनके जैसी प्रतिष्ठा और स्थिति वाले नेता की बाहरी दुनिया के घटनाचक्रों से एकदम अलग कर देना एक तरह की यंत्रणा ही थी। उनकी शारीरिक यंत्रणा के बारे में जितना ही कम कहा जाए बेहतर होगा। उन्हें मधुमेह की बीमारी थी, मधुमेह यानी शुगर की, और मांडले की जलवायु शिथिल कर देने वाली थी, जो कि गठिया को जन्म देने वाली है। गठिया गठिया जो है एक प्रकार से बीमारी है, जो कि जॉइंट पेन होता है। इसमें हर प्रकार से हाथों की उंगलियों से लेकर के शरीर में जितने भी हमारे जॉइंट्स हैं, उसमें इसमें पेन होता है और हड्डियां जो है वो मुड़ने लग जाती हैं। ठीक है, ये गठिया है जो धीरे धीरे जीवन शक्ति को सोख लेती है। तो सोचिए उन्होंने कितना कष्ट झेला होगा।
वे गीता की भावना में मग्न रहते थे। गीता की भावना क्या थी कि जो भी हो रहा है वह अच्छा ही हो रहा है, किसी न किसी भले के लिए ये सब काम हो रहा है, तो वो हमेशा उसकी भावना में ही मग्न रहते थे। उन्होंने उन यंत्रणाओं के बारे में किसी से कभी भी एक शब्द भी नहीं कहा। हर बार सुभाष चंद्र बोस ने अपने आप से पूछा, अगर नौजवानों को इतना कष्ट महसूस होता है तो महान लोकमान्य को कितनी पीड़ा सहनी होगी, क्योंकि अब उनकी एज भी हो चुकी थी, है ना, अधिक उम्र के हो चुके थे वो। बंदी जीवन के प्रति अपने आप को अनुकूल बना पाना आसान नहीं था, मतलब वहाँ का जो माहौल है उस पर अपने आप को पूरी तरीके से डाल लेना। तो जो लोकमान्य तिलक थे वो जैसा माहौल था वो उसी में पूरी तरीके से ढल चुके थे। ठीक है, केवल लोकमान्य जैसे दार्शनिक ही उस यंत्रणा और दासता के बीच मानसिक संतुलन बनाए रख सकते थे, और गीता भाष्य जैसे विशाल और युग निर्माणकारी ग्रंथ का प्रणयन कर सकते थे। जब वो 6 वर्ष तक जेल में रहे, कारावास में रहे, तब उन्होंने गीता भाष्य जैसे एक ग्रंथ की रचना की थी जो कि बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। इसमें इस संसार को कैसे आप प्रगति की ओर ले जाएंगे, युग निर्माण कैसे होगा, इन सब के बारे में उसमें लिखा गया था। सुभाष चंद्र बोस जी कहते हैं कि मैं उनके प्रति आदर और श्रद्धा में डूब जाता हूँ। आशा करता हूँ कि जो महापुरुष मधुमेह से पीड़ित होने के बावजूद इतने कठिन कारावास को झेलता गया और जिसने उन अंधकारमय दिनों में अपनी मातृभूमि के लिए ऐसी अमूल्य भेंट तैयार की, उस विश्व के महापुरुषों की श्रेणी में प्रथम पंक्ति में स्थान मिलना चाहिए। मतलब जो महापुरुष हैं, इन्होंने जो ग्रंथ लिखा है उस बलबूते पर, और इन्होंने जो यंत्रणा सही है हमारे देश के लिए, तो उन्हें जो है प्रथम पंक्ति में ही स्थान मिलना चाहिए। ठीक है, अभी अभी जो है इसमें कुछ कठिन शब्द आए हैं उसको हम देखेंगे। ओजस्वी, ओजस्वी, ओजस्वी का अर्थ है तेज पूर्ण। कारावास यानी बंदी गृह, प्रणयन, प्रणयन यानी रचना, निष्काशित, निष्काशित यानी बाहर किया हुआ या निकाला हुआ, प्रतिष्ठा यानी यश, यंत्रणा यानी पीड़ा, मंदाग्नि, मंदाग्नि का अर्थ है कमजोर पाचन शक्ति, राजबंदी, राजबंदी यानी सरकारी कैदी, दृष्टिपथ का अर्थ है दृष्टि का फैलाव, नजर की पहुंच। इसमें अनेकार्थी शब्द आए हैं। अनेकार्थी शब्द क्या होते हैं आपको पहले की क्लास में भी बताया गया है, जो एक शब्द के अनेक अर्थ निकलते हो वो अनेकार्थी कहलाते हैं, जैसे कि उसके नाम में ही अनेकार्थी, अनेक अर्थ निकलने वाले शब्द। ठीक है, जैसे दंड, दंड का मतलब सजा भी होता है और दंड का मतलब डंडा भी होता है। ठीक है, तो इसके दो अर्थ निकल रहे हैं। हम इसका जो अर्थ को कैसे अलग अलग कर सकते हैं, हम वाक्यों के माध्यम से इसे अलग अलग अर्थ के रूप में बता सकते हैं, जिस वाक्य में जिसकी आवश्यकता हो। ठीक है, काल, काल का अर्थ समय भी होता है और काल का मतलब मृत्यु भी होता है। इसका अर्थ जो है हमें वाक्य बनाने पर ही स्पष्ट होता है। पत्र, पत्र का अर्थ पत्ता भी होता है और पत्र का अर्थ चिट्ठी भी होती है। ठीक है, कुछ पर्यायवाची शब्द आए हैं उनको देखेंगे हम। विचार, विचार का अर्थ होता है उसका पर्याय शब्द जो है अभिमत, राय, सम्मति। ठीक है, सभ्य, सभ्य यानी
उसका पर्याय शब्द है शिष्ट, कुलीन, शालीन। महान, अगला शब्द है महान। महान का पर्याय शब्द हम देखेंगे विशाल, बड़ा, विराट, वृहत। ठीक, अगला शब्द है आदत। आदत का पर्याय शब्द स्वभाव, प्रवृत्ति या प्रकृति। ठीक है, आगे देखो अंधकार। अंधकार का पर्याय शब्द है तम, अंधेरा, तमस, अंधियारा, तिमिर। ठीक है, जो आपको अच्छा लगे। स्मरण, स्मरण का पर्यायवाची शब्द देखेंगे याद, सुधि, स्मृति। ठीक है, कुछ प्रश्न आप लोगों के लिए जिसके चार विकल्प दिए गए हैं और इन चार विकल्प में से आपको एक विकल्प सही है जो आपको बताना है। बच्चे जो पाए हैं कि नहीं, तीन जन। चलो, सुभाष चंद्र बोस ने किन्हें विश्व के महापुरुषों में अग्रणी माना? आप अपना माइक अनम्यूट कीजिए और इसका उत्तर बताएंगे। सुभाष चंद्र बोस ने किन्हें विश्व के महापुरुषों में अग्रणी माना? पहला है महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, दादा भाई नौरोजी और सरदार पटेल। कोई बताएंगे? लोकमान्य तिलक। वेरी गुड, एकदम सही उत्तर है। अगला देखते हैं प्रश्न। लोकमान्य तिलक को कौन सी बीमारी थी? ठीक है, अभी हमने पढ़ा ना, उन्हें कौन सी बीमारी थी? इसके ऑप्शन है दमा की बीमारी, हृदय की बीमारी, गठिया की या मधुमेह की। बताएं किसकी बीमारी थी उन्हें? मधुमेह की। बहुत बढ़िया, एकदम सही आंसर है। अगला प्रश्न देखते हैं। केसरी पत्रिका के संपादक श्री एन सी केलकर को पत्र किसने लिखा? ये जो पत्र है वो किसने लिखा था केलकर जी को? सुभाष चंद्र बोस ने, लोकमान्य तिलक ने, सहयोगी व्यक्तियों ने या जेलर ने? किन्होंने लिखा था पत्र? मैम बताइए। सुभाष चंद्र बोस सुभाष ने। चंद्र बोस एकदम सही जवाब है आपका, है ना? सुभाष चंद्र बोस ने ही लिखा था। ये जो पत्र उन्होंने लिखा था वो एनसी केलकर जी को ही लिखा था, जो कि केसरी पत्रिका के संपादक थे, है ना? एकदम सही उत्तर। अगला प्रश्न देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने मांडले जेल को तीर्थ स्थल कहा, क्यों कहा था उन्होंने? क्योंकि वहां ये चार ऑप्शन है, सुभाष चंद्र बोस को बंदी रखा गया था, वहां लोग दर्शन पूजा करने जाते थे, वहां तिलक को 6 वर्ष तक बंदी बना के रखा गया था, या तिलक व सुभाष चंद्र बोस की वहां पर मुलाकात हुई थी? कौन सा ऑप्शन है? वहां तिलक को 6 साल वर्ष तक बंदी रखा गया था। वेरी गुड, आप लोगों का बिल्कुल सही जवाब है। वहां उनको उस जगह को, जेल को तीर्थ स्थल इसलिए कहा गया था क्योंकि वहां पे तिलक जी को बंदी बना के तो रखा गया था, साथ ही साथ वहां पर उन्होंने जो गीता भाष्य जैसे ग्रंथ की रचना की थी, इसलिए उस जगह को एक पवित्र स्थान के रूप में देखा गया। ठीक है, आगे अगला प्रश्न देखते हैं।
जेल में लोकमान्य तिलक ने किस ग्रंथ की रचना की थी? मैं बीच में बता दे, भगवत गीता की, गीता भाष्य की, गीतांजलि की या गीता दर्शन की? गीता भाष्य की, गीता भाष्य की। एकदम सही गीता जवाब। भाष्य की। हाँ बेटा, बिल्कुल सही जवाब। आप लोगों ने सारे प्रश्नों के उत्तर फटाफट सही सही दिए हैं, है ना? बहुत बहुत बधाई हो आप लोगों को, आपने अच्छे से सुना। अब आप लोग, एक आपको पत्र लिखना आता है कि नहीं आता? जब आप स्कूल में छुट्टी लेते हैं तो क्या आप एप्लीकेशन डालते हैं स्कूल में? हाँ मैडम, हाँ छुट्टी के लिए आवेदन पत्र देते हैं ना? अच्छा, तो देखो, पत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है व्यक्तिगत पत्र होता है और एक सरकारी पत्र होता है, ठीक है? तो जो सरकारी पत्र होता है उसमें हम किसी भी प्रकार का उसके प्रारूप में फेरबदल नहीं करते हैं, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर एक आपके सामने एक स्क्रीन में पत्र लिखा हुआ है, आप लोग लिखते हैं इसको शाला में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र, जब आप कक्षा 8वीं पास होते हैं, 9th में जाते हैं, है ना? तो आपको एक एप्लीकेशन लिखना पड़ता है अपने प्रिंसिपल को, प्राचार्य को, ठीक है? उस समय जो प्रोफार्मा रहता है, जो प्रारूप रहता है पत्र का, आपको उसी प्रारूप में लिखना पड़ता है। जिस जगह पे आपको प्रति लिखना है आपको वहीं लिखना है, कहाँ कौमा देना है ना, और कितने डिस्टेंस में आपको प्राचार्य जी का लिखना है, स्कूल का नाम, और नीचे देखो विषय, और कितने कितने गैप में लिखना है, ये पूरा एक प्रारूप है। इसमें आप किसी प्रकार से कोई भी फेरबदल नहीं करते हैं, ठीक है? ये होता है सरकारी पत्र, है ना? ऐसे ही एक व्यवसायिक पत्र भी होता है, जैसे कि पत्र मंगाने के लिए, पुस्तक मंगाने के लिए आप पत्र लिखते हैं बुक सेलर को, ठीक है, पुस्तक विक्रेता को, तो उसका प्रारूप थोड़ा अलग रहता है, ठीक है? और तीसरा है व्यक्तिगत पत्र। व्यक्तिगत पत्र वो होते हैं जिसमें आप अपनी इच्छा से उसके मैटर में आप कुछ भी लिख सकते हैं, कहीं भी आपको कोई बंदिश नहीं है कि आपको ऐसा ही पत्र लिखना है, ठीक है? जैसे पिता को पत्र लिखते हैं, माता को पत्र लिखे, है ना, अपने दोस्तों को लिख रहे हैं, सहेलियों को लिख रहे हैं, भाई को, बहन को, किसी को भी लिख रहे हैं, तो इस प्रकार का जो पत्र होता है जो अपने रिश्तेदारों या जान पहचान वालों को लिखते हैं या दोस्तों को लिखते हैं, वो व्यक्तिगत पत्र के अंतर्गत आता है, ठीक है? आपको उसका भी प्रारूप दिखाते हैं, व्यक्तिगत पत्र कैसे लिखा जाता है। देखो यहाँ पर एक पत्र आपको स्क्रीन में दिख रहा है, पिता को पत्र, ठीक है? इसमें आपको एक, आप जिस जगह में हैं उस जगह से आप पत्र लिखेंगे, तो राइट हैंड साइड में देखो लिखा हुआ है रायपुर और नीचे डेट, है ना? ऐसा लिखते हैं, बात भी नहीं है कि आपको ये लिखना ही है, ठीक है? तो ये एक मतलब आधार है व्यक्तिगत पत्र का, लेकिन आपको ये बात नहीं किया जाता कि आपको ये चीज यहीं पर लिखनी है या जैसे भी, ठीक है? तो यहाँ पर इसका तरीका वैसे ये है कि आप राइट हैंड साइड में जिस जगह में रहते हैं उस जगह का नाम और डेट डालें, ठीक है? और लेफ्ट हैंड साइड में आप जिनको भी पत्र लिख रहे हैं, चाहे पिता को, माता को, भाई बहन मित्र, जिसको भी लिख रहे हैं उनके बारे में लिखेंगे, ठीक है? लेकिन जब हम अपने से बड़ों को पत्र लिखते हैं तो क्या लिखते हैं? ऊपर संबोधन क्या देते हैं? पूजनीय या पूजनीय, आदरणीय, है ना? आदरणीय, पूजनीय ऐसे लिखते हैं हम, ठीक है ना? और नीचे उनको अभिवादन भी लिखते हैं, सादर प्रणाम, दोस्त यार हैं तो नमस्ते वमस्ते लिखते हैं हम लोग, लेकिन अपने से बड़ों को हमेशा सादर प्रणाम लिखते हैं, ठीक है? और ये जो बीच का मैटर है ये पत्र का मुख्य भाग कहलाता है। इसमें आप अपने मन की कोई भी बात जो है वो शेयर कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है? अंत में हमें अपने छोटों के लिए, बड़ों के लिए भी अभिवादन लिखना चाहिए। ये एक तरीका होता है, लिखे तो भी, नहीं लिखे तो भी, आप बाध्य नहीं है, है ना? और लास्ट में आप क्या लिखेंगे? अगर पिता को लिख रहे हैं तो आपका बेटा, आपकी बेटी, ठीक है, और अपना नाम लिखेंगे, ऐसे ही लिखते हैं ना पत्र। तो ये दो तीन प्रकार के पत्र मैंने आपको बताए, तो आप जो आवेदन पत्र लिखते हैं वो कौन सा पत्र कहलाता है, सरकारी या व्यक्तिगत पत्र कहलाता है? कौन सा पत्र कहलाता है जिसको आप? हेलो, हाँ बोलो।
प्रश्न फिर से बोले बोलो तो मैडम। अच्छा प्रश्न फिर से बोलो तो। ठीक है, आप सुनो ध्यान से। ठीक है, स्कूल में आप पत्र किसको लिखते हैं? प्रश्न फिर से बोलो तो मैडम। अच्छा, मेरी आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है? आवाज आ रही है आप लोगों को? यस प्रधान अध्यापक हाँ, को, वेरी गुड। आप जो है छुट्टी के जब आवेदन पत्र माननीय लिखते हैं अध्यापक तो को। अपने प्रधान अध्यापक को लिखते हैं, तो वो सबसे ऊपर में लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में। क्या हम उसको नीचे लिख सकते हैं या बीच में लिख सकते हैं? क्या नहीं लिख सकते? वेरी गुड। नहीं क्यों? क्योंकि उसको जो निश्चित प्रारूप है आपको उसी में लिखना होता है। आपके यहाँ स्कूल में आपके शिक्षक आपको बताते हैं कि पत्र कैसे आपको मार्जिन लेकर के लिखना है ना, 2 इंच की थोड़ी सी दूरी में आपको क्या करना है, गैप दे करके, जिसको हसिया भी बोलते हैं या मार्जिन कहते हैं, ठीक है, उतना दूर छोड़ करके आपको पत्र लिखना है, किस गैप में लिखना है, कहाँ पर आपको पैराग्राफ में लिखना है, ये सारी चीजें बताते हैं ना। कहाँ पर कॉमा डालना है, नहीं डालने से आपके मार्क्स कट जाते हैं, ये भी बताते हैं। जी हाँ, तो इन सब चीज में जो पत्र हम लिखते हैं स्कूल में, उसमें जो है नंबर बटे हुए रहते हैं, ऊपर और नीचे और जो बीच का मुख्य भाग है, इन तीनों भागों में अलग अलग नंबर बटे रहते हैं, इसलिए हमको इसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं करनी है। ठीक है, अच्छा आप जो है मैडम। आप कुछ शेयर करना चाहते हैं अपने जो गुलामी के जो समय के बारे में? आपको क्या पता है, जब हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था तो किस प्रकार से हम उनकी यातनाओं को, अत्याचारों को सहते थे? कुछ हम पता है, आपने कुछ लोग सुना है? किसान का हक है, किसान जितना अनाज बोते थे ले जाते थे। बढ़िया। और क्या सुना है आपने? बहुत अत्याचार करते थे, सबके ऊपर बहुत अत्याचार करते थे। हाँ, बहुत बढ़िया। और क्या जानते हो आप? एक एक बार धन ले जाते थे। हाँ धन ले जाते थे किसानों को, अपनी मर्जी से खेती करने के लिए भी नहीं दिया जाता था, है ना। यस मैम। अच्छा, आप लोग मूवी देखते हो कि नहीं, पिक्चर देखते हो हाँ आप लोग? मैडम। यस हाँ, तो आप मैम। लोग, एक पुरानी पिक्चर है क्रांति, ठीक है, अगर आप लोग घर में सीडी वगैरह लाकर देखेंगे, है ना, या टीवी में अगर आता है तो आप लोग ये पिक्चर जरूर देखिए, क्रांति। उसमें पूरी तरीके से दिखाया गया है कि अंग्रेज किस तरीके से हमारे भारतीयों पर अत्याचार करते थे, कोल्हू की बैल की तरह उनको ट्रीट किया जाता था, है ना, कोड़े बरसाए जाते थे, ठीक है। अब किसी को भी अपने मर्जी से कुछ कार्य करने का अधिकार नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो ये सब सुनकर देखकर ही हमारे रोंगटे कांप जाते हैं। तो आप सोचो, जब उनके ऊपर वो बीत रहा होगा तो कितनी दयनीय स्थिति होगी उनकी, है कि नहीं? इन सब के बारे में कभी सोचते हैं आप लोग कि हमें जो ये आजादी मिली है, कितने लोगों की कुर्बानियों के बाद हमें ये आजादी हमको प्राप्त हुई है ना। ऐसे कुछ लोगों के नाम मैम। तो हम जानते ही हैं, जो लीडर होके आगे आए थे उन सबके नाम तो हमको पता है, उनके अलावा हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, जिसको जो अपना नाम भी नहीं, उनका नाम भी हम नहीं जानते, है कि नहीं? तो इनकी जो कुर्बानी है वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। हमारी जो आजादी है उसे हमें बना कर रखना है, आगे तक पूरे जीवन उसे संभाल कर रखना है, ठीक है। वापस हमें दासता के जीवन में नहीं जाना है। अभी गांधी जी भी जो थे, उन्होंने स्वदेशी अपनाव के लिए भी कई आंदोलन किए थे, कई
कि विदेशी चीजों को जला दो, उनकी होली जलाई गई थी विदेशी कपड़ों की, तो उन्होंने अपने देसी खादी के वस्त्र पहनते थे उस समय, पता है ना। स्वदेशी चीजों का उपयोग करो, हम जितना विदेशी चीजों का उपयोग करेंगे उतना ही हम, मैडम। हाँ उतना ही हम गुलामी के उसमें वापस फिर से जकड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो अपने देश की, अपने गांव की बनी हुई चीजों को हमें उपयोग में लाना है ताकि हमारा देश सुरक्षित रहे, ठीक है। रहेंगे। हाँ अच्छा, अब जो है इस पाठ से संबंधित आपको कुछ पूछना है, पत्र से संबंधित। जाओ मतलब चलो जल्दी बुला तिलक रही जी को कहाँ से, हूँ। कौन से जेल से, कौन से जेल में ट्रांसफर किया गया था उनका? मैडम बाल गंगाधर तिलक जी को किस कर जेल से किस जेल में स्थानांतरण किया गया था उनका? बरहमपुर से किस जेल से किस जेल में उन्हें स्थानांतरण? मैडम आवाज नहीं आ रही। आवाज वेरी गुड, ब्रह्मपुर जेल से मांडले जेल में उन्हें स्थानांतरण किया गया था, ठीक है। और उन्हें कितने वर्षों तक जेल में रखा गया था? 6 वर्ष था, तक 6 वर्ष तक, वेरी गुड। मैडम, जेल में उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? वेरी गुड, गीता भाष्य की। हाँ बिल्कुल सही, 6 वर्षों तक। अगला प्रश्न है, उन्होंने किस ग्रंथ की रचना की थी? गीता भाष्य की। एकदम बढ़िया, ठीक बिल्कुल है। और उस जेल को तीर्थ स्थल क्यों कहा है? गीता हाँ बेटा, मांडले जेल को, भाष्य, क्योंकि उसमें गीता भाष्य जैसे निर्माण कार्य निर्माण बहुत बढ़िया। क्या नाम है बेटा? अच्छा था, क्योंकि उसमें गीता भाष्य विनीता। बहुत बढ़िया, एकदम अच्छा जवाब दिया है, ठीक है। अच्छा आप लोगों के लिए कुछ और प्रश्न है, नेताजी ने केलकर को पत्र क्यों लिखा था? नेताजी ने जानकारी देने के लिए पत्र लिखा था, लिखा जानकारी देने। देने ताकि वो, क्योंकि केलकर जी कौन थे, वो एक पत्र क्या बोलते हैं, हाँ संपादक थे वो, केसरी नामक जो पत्रिका थी उसके संपादक थे। उन्होंने उन्हें पत्र इसलिए लिखा था ताकि ये जो पूरी जानकारी है तिलक जी के बारे में वो उसमें छाप सके और लोग जो हैं उनकी जो तकलीफ है उसे जाने, है ना, उन्होंने जो कुर्बानी दी है उसको जाने, ठीक है। अच्छा, और लोकमान्य जी ने जो है उनका जीवन 6 वर्ष कैसे गुजारा था उन्होंने? कैसे गुजारा था? कैसे लोकमान्य जी ने अपना जीवन कई प्रकार की शारीरिक और बड़ी मानसिक, मुसीबतों से गुजारा था, यातनाओं हाँ वेरी गुड, से गुजर, वर्षा में, धूप में, शीत ऋतु में, सर्दी से तथा सभी ऋतुओं में धूल भरी हवाओं से बचा हो पाता था। हाँ बहुत बढ़िया, उन्होंने कई प्रकार की शारीरिक और मानसिक यंत्रणाओं को झेला था, है ना। लेकिन ये सारी चीजें उनके लिए उतनी मायने नहीं रखती थी क्योंकि उनके साथ क्या था, पुस्तक। वो अकेलेपन में पुस्तक पढ़ा करते थे और रचना भी किया करते थे, तो अकेलेपन का सबसे अच्छा साथी क्या होता है?
पुस्तक, वेरी गुड, किताबें, किताबें, है ना। जब भी हम अकेले होते हैं तो हमें किताब पढ़नी चाहिए, ऐसी हमें आदत डालनी चाहिए, है ना। समय तो कट ही जाता है, साथ ही साथ हमें ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। ठीक है, अच्छा। अब आपको कुछ गृह कार्य दिया जा रहा यस मैम। है ना। ये देखो स्क्रीन में दिख रहा है और हम आपको बता भी रहे हैं। पहला प्रश्न है, अकेलापन में पुस्तक कैसे सांत्वना देती है और अकेलापन को कैसे दूर करती है। आपको इसके बारे में अपने मन से लिखना है ना। एकाकीपन यानी अकेलापन, है ना। उस समय में पुस्तक कैसे हमको सांत्वना देती है और अकेलापन को कैसे दूर करती है। मैडम, आपको अपने विचार लिखना है इस पर। जी बोलो। नहीं, रहने दो, बातचीत चलती है। चलो दूसरा प्रश्न है। मैडम, कैसे करते हैं बच्चे ध्यान से सुनो, गृह कार्य है ये। ये प्रश्न। यस जे मैम। हाँ, जेल जीवन की कठिनाइयों के बारे में यस सोच कर लिखो। अभी आपने देखा कि जेल में किस किस प्रकार की कठिनाइयां होती है ना। इसके अलावा भी जो नॉर्मल कैदी रहते हैं उनके जीवन में किस प्रकार की कठिनाइयां रहती है ना। वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, उन सब के बारे में आपको सोचना है और लिखना है। ठीक है। अगला प्रश्न है, आप एक हॉस्टल यस में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। आपको ये सोचना है कि आप हॉस्टल में रहते हैं अपने घर से दूर। ठीक है, अपने घर से दूर रहकर हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं और आपको अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है। ठीक है, और उस पत्र में हॉस्टल जीवन के बारे में चर्चा करना है। आप हॉस्टल में किस प्रकार से रहते हैं, आपका टाइम टेबल क्या है, पढ़ाई कैसे करते हैं। ठीक है, हॉस्टल जीवन के बारे में उस लेटर में लिखना है। ये पत्र आपका 4 लाइन का भी हो सकता है और 4 पेज का भी हो सकता है, कोई बाध्यता यस नहीं है। मैडम। ठीक, चलो। अब इस पाठ से संबंधित आपके अंदर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो, कुछ उत्सुकता है तो जानकारी। नहीं ठीक है, क्लियर है पाठ। अब आप यस मैम। लिखना, आपको अगर पेपर में किसी प्रकार से पत्र लिखने को आता है तो आप लिख लेंगे। यस मैम। वेरी गुड, चलो ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारियां अच्छी लगी होगी, है ना। सुभाष चंद्र बोस और बाल गंगाधर तिलक की, है ना। तो अब विदा लेने का समय है। ठीक है, चलो गृह कार्य को अच्छे से करिए आप लोग, और साथ ही साथ एक बार रीडिंग जरूर कीजिएगा पत्र को। ठीक है, चलिए, नमस्कार। यस मैम। यस मैम।